हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार नोट किया होगा कि जो हम लोगों को आजकल रिसर्च में डेटा बेसिस से डेटा उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट डेटा सेट्स जो कि रेगुलरली अपना डेटाबेस अपडेट करते रहते हैं और हम लोगों के लिए उसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहता है। बट उसमें एक मेन इशू ये आता है कि जितने भी फ्री के जो डेटाबेसिस हैं, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, और वो अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग डेटाबेसिस के टाइप्स हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है और आई होप ये आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें गूगल डेटा सेट इंजन। इतना टाइप करने पे जो आपको पहला लिंक आपको जो दिखेगा गूगल डेटा सेट सर्च, इसको आप यहाँ से ओपन कर लें और जैसे ही राइट साइड पे ये खुल जाए तो आप देखिएगा ये अभी एक बीटा वर्जन है गूगल डेटा सेट सर्च का, और शायद सभी लोग इसको अभी नहीं जानते हैं। दिस इज वन स्टेप वन स्टॉप शॉप फॉर द डेटा सेट्स। इसमें फ्री के भी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं और इसमें शायद कुछ पेड भी हैं, लेकिन गूगल का एफर्ट यही है कि मैक्सिमम आपको फ्री स्टफ जो है वो अवेलेबल कराया जाए। तो हम इसमें अभी मान लीजिए अपना क्वेरी इसमें डालते हैं मीडिया हैबिट्स एंड, और ये मीडिया हैबिट्स से रिलेटेड जितना भी डेटा सेट्स हैं वो आपके सामने अभी डिस्प्ले करना यहाँ पे नीचे शुरू कर देगा। तो अभी ये दिखा रहा है कि केवल इसके पास एक ही डेटाबेस है, यूएस जनरेशन एक्स मीडिया कंजम्पशन। तो इसको हम थोड़ा सा अपना चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हम हैबिट्स हटा के सिर्फ मीडिया पे ले आते हैं, तो मीडिया रिलेटेड कीवर्ड से इसकी एक्सेस जितने भी डेटाबेसिस को है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब शेयर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स इन नॉर्वे, अलग अलग आपको इसमें डेटाबेसिस मिलेंगे। अभी फिलहाल मैं मान लीजिए फर्स्ट वाले को क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखिएगा थ्री रिजल्ट्स फाउंड लेफ्ट साइड में। एक ये स्टेटमेंट है इसकी जहाँ पे ये जो डेटा अवेलेबल है, राइट साइड पे ये वेबसाइट दिखा रहा है और वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता भी रहा है और उस डेटा सेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन भी इसमें दे रहा है। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसको स्टेटिस्टिस्टा जो भी ये वेबसाइट है इसको अवेलेबल इसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ जाके ये स्टफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान देने की है कि ये वेबसाइट मोस्टली पेड है एंड फ्री स्टफ थोड़ा सा ही इस पर अवेलेबल है, लेकिन सिंस इट इज़ ए न्यू बिगनिंग और आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का डेटा वो अल्टीमेटली ओपन होने की तरफ बढ़ ही रहा है, तो ये सर्च इंजन आपको आगे रिसर्च में बहुत काम आ सकता है। एंड ऑलरेडी इस पे जो वर्ल्ड बैंक के IMF एंड अदर OECD कंट्रीज के जितने भी डेटा सेट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आप इसको यूज़ करें एंड अपने रिसर्च को इससे और ज़्यादा आप एनरिच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।